सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर यानी कि दिशा सलियान ठीक सुशांत सिंह राजपूत के मौत से एक हफ्ता पहले दिशा सलियान ने सुसाइड करी थी। सभी का कहना है कि सुसाइड करी थी, मगर एक्चुअल में एंगल वो मर्डर की तरफ दिशा सलियान का भी जा रहा है। और ऐसे मौके पर दिशा सलियान का केस भी पूरी तरीके से सीबीआई हैंडल कर रही है। और ऐसे में बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट, उस बीच अपडेट्स सब कुछ निकल कर आ रहा है कि दिशा की मौत की जांच अब सीबीआई के हाथ में पूरी तरीके से। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि दिशा सलियान का मैटर सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा जा रहा था, और ऐसे में मुंबई पुलिस अपना बयान, अपनी राय ये दे रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान इन दोनों के केस को जोड़िए नहीं, इन दोनों के केस को नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि ये अलग अलग दिशा में दर्शाते हैं। अब ऐसा क्यों? हालांकि इसके ऊपर भी सीबीआई पूरी तरीके से जांच कर रही है। जिस मंगेतर से जल्द होने वाली थी शादी, उसी के घर में 8 जून को मृत मिली थी, मतलब दिशा सलियान मरी हुई मिली थी। जिस मंगेतर से शादी होने वाली थी उसी के घर में सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सलियान, जो अभी तक का बड़ा खुलासा सामने आया, सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सलियान की मौत की जांच भी सीबीआई कर रही है। और ऐसे मौके पर 3 सितंबर को बटी सजदेह को सीबीआई ने समन जारी कर मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया है, जहां उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अब देखना होगा कि वहां पर क्या सवाल जवाब किए जाते हैं। मौत से पहले दिशा बंटी की ही टैलेंट मैनेजर कंपनी कॉर्नर स्टोन में काम करती थी। 8 जून को 28 साल की दिशा मुंबई में रहस्यमय हालत में मृत मिली थी, मतलब रहस्यमय हालत में, बेहाल हालत के अंदर जो है वो दिशा सलियान की मौत वहां पर मिली थी। दिशा सलियान की बॉडी पड़ी हुई थी। इसके एक हफ्ते बाद 14 जून को सुशांत की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया, उसके ठीक एक हफ्ते के बाद में। ऐसे में सीबीआई यहां जांचने में जुटी हुई है कि क्या दोनों मौतों में कोई कनेक्शन है। मुंबई पुलिस का कहना है कि कोई कनेक्शन नहीं है, और सीबीआई ये जांच पड़ताल कर रहा है कि दोनों में क्या कनेक्शन था, उस जांच पड़ताल में लगा हुआ है। इस बीच हम आपको बताते हैं कि दिशा से जुड़े फैक्टर्स। दिशा पेशे से सेलिब्रिटी मैनेजर थी। उनका जन्म 26 मई 1992 को उडुपी कर्नाटक में हुआ था। दिशा की स्कूलिंग मुंबई के दादर पारसी यूथ असेंबली हाई स्कूल में हुई थी। वहीं मुंबई के आरडी नेशनल कॉलेज और डेब्यू एंड साइंस कॉलेज से उन्होंने मार्क्स मीडिया में अपना ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दिशा ने विंकबॉल कंपनी के साथ बतौर फ्रीलांस रिपोर्टर काम शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक मीडिया हाउस में बतौर रिसर्च काम जो है वो शुरू कर दिया था, और ऐसे में वो फिर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर बन गई। ऐसे में 2-3 सेलिब्रिटी और थे जिनकी वो मैनेजर कर चुकी थी, मगर फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैनेजरिंग कर रही थी। और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का पूरी तरीके से मामला दिशा सलियान से जोड़ा जा रहा था। मुंबई पुलिस का ये सब कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान के केस को एक दूसरे से नहीं जोड़ा जाए। अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है वो देखना ट्विस्ट होगा, और सीबीआई इस मामले में पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है। हालांकि जैसे सीबीआई की स्टेटमेंट्स अपडेट्स बाहर निकल कर आती रहेंगी, हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली पल पल की अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।